गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ का चैप्टर 7 जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है उसे स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे, इन दिस चैप्टर क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ए सेट ऑफ नंबर्स आर पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल। पजल के रूप में कोई नंबर दिया होगा आपको। यू हैव टू एनालाइज एंड गिवन कंडीशन एज्यूम एन अननोन नंबर्स एंड फॉर्म इक्वेशन अकॉर्डिंगली। कोई पजल दिया होगा, बीच से कोई नंबर साइलेंट होगा, जैसे ए बी सी डी, उसका डैश एफ जी एच डैश, ऐसे करके कोई नंबर होगा। इस सीरीज को आपको एनालाइज करना है एंड कंप्लीट करना है, विच इज सॉल्विंग इल्ड द अननोन नंबर। तो सीधा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद सीधा हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। एक कोई नंबर है जो ग्रेटर देन 36 है बट लेस देन 86 है, तो आपको फाइंड करना है वो नंबर क्या होगा। जैसे इसमें दिया है, सबसे पहले हम नंबर को मान लेंगे एक्स है, तो अब कहता है ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 86, ठीक है। तो ये क्या होगा, 36 से बड़ा है, मीन्स आप इससे जो है 36 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, और दूसरा कहता है 86 से छोटा है, मीन्स ये एक्स जो है 86 से छोटा है। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए ये एक्स है, इधर एक्स है, माइनस दोनों इधर आएंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 86 प्लस 36, क्योंकि माइनस है इधर, जब प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 6 6 12 8 3 11 12 122। एक्स कम वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 61, दैट इज आवर आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 32, व्हाट इज द 15.5% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये कहता है कि एक डिफरेंस जो है किसी नंबर का, 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ ए नंबर इक्वल टू 32 100, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। यहाँ पे 38 माइनस 22, ये देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज है, तो आप ऐसे भी आप रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, 38x/100 - 22/100। अब आप इसको करेंगे तो 300 2, ठीक है, 3200। मैंने सिंपल से ऐसे लिया, चूंकि ये परसेंटेज दोनों में है तो मैंने इसको यहाँ से घटा दिया, सिंपल सा माइनस कर दिया, तो ये आप इसको आप हटाइए, इसको 8 2 गया 6 3 में से 2 गया 1, इसको एक्स मान लेते हैं, 3200 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई 16 मीन्स 200, ठीक है। अब जो है 200, अब ये परसेंटेज यहाँ था, अब इसको जो है ना मैंने पहले हटा के अब इसको सीधे बाद में 100 करना है, परसेंटेज था तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 20,000, ठीक है, यहाँ आ गया। अब आप 20,000 का एक तो ये हो गया मेथड, या मैंने सीधे घटाया, डिवाइडेड 16 को एक्स में मान लिया, डिवाइडेड बाई 100 = 3200, ठीक है। अब जो है 20,000 का 15.15 × 1/2% कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए इजीली एकदम, 3100 होगा।
टेन डिजिट ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर इज थ्री, ठीक है, टेन डिजिट ऑफ ए थ्री नंबर इज थ्री, इफ द डिजिट ऑफ ए नंबर आर इंटरचेंज एंड द नंबर दस फॉर्म इज 396। अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिसका थ्री डिजिट नंबर जो है तीन है, बट उस नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्म 369 मोर देन द प्रीवियस वन, अगले से 396 ज़्यादा हो जाता है। द सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट इज 14, देन व्हाट इज द नंबर। अब कहता है यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट का जो योग है, जोड़ है, वो 14 है, तो नंबर क्या होगा। तो देखिए, थ्री डिजिट नंबर बोलता है, पहले एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वाई कहता है थ्री है, तो आप जेड क्या होगा, और ये जेड देखिए यूनिट डिजिट और 100 डिजिट, मतलब आप इसका और इसका वैल्यू कितना दिया है, 14, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 100x प्लस 10y, ठीक है, प्लस जेड माइनस, सेम वैसे ही हो जाएगा, बराबर 396। अब इसका आप योग निकालेंगे तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू 4 आएगा, तो फ्रॉम वन एंड टू एक्स इक्वल टू 9, जेड इक्वल टू 5, तो नंबर हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 539, ठीक है। यहाँ देखिए 100x लिखा हुआ है प्लस 10y प्लस जेड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल इज 13/6, फाइंड द नंबर। सम ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है, और उसका उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। तो मान लीजिए रेशनल नंबर हमारा एक्स है और इसका उल्टा, इन दोनों का जोड़ जो है 13/6 है, ठीक। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स, ठीक है, वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इसको आप करिए फिर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 13x, और इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से, ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 6x बराबर 13x, ठीक है। सॉरी, यहाँ एक्स नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, थोड़ी एक बीच में कुछ कॉल आ गया था, सॉरी। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे 6x² प्लस 6x प्लस 6 बराबर 13x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x² माइनस 13x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 6x² को एक काम करिए, माइनस 9x माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। और x अगर हम निकाल दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, अगर 2x बाहर कर दें, 2x बाहर करते हैं तो ये 3x सॉरी फ्रेंड्स,
इसको एक बार कट करके देखते हैं और फ्रेश पेपर में जाते हैं तो पता चलेगा। कहता है कि कोई रेशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, उसका अपोजिट जो है 13/6 है। ठीक, तो आप जो है इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकालिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13/6। अब हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13x। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहां से 3 निकालते हैं, ठीक है, 3 बाहर करते हैं, 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से 2 लेते हैं बाहर, 2x प्लस 3। ठीक है, अब आप देखिए तो हमारा क्या आ गया, ये -2 लिया ना, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 3x-3 और 2x-3। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो सकता है, थ्री एक्स माइनस टू। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आ गया 3x-2, 2x-3, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 2/3 या 3/2। रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 2/3 और 3/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 184 इफ 1/3 ऑफ द वन एक्सीड 17 टेंथ ऑफ द अदर बाई 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कोई दो नंबर है उसका जोड़ जो है 184 है, एंड 1/3 ऑफ वन एक्सीड द 1/7 ऑफ अदर बाई 8। अब यहाँ पर सिंपल सा है, x है मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 184-x। ठीक है, कहता है कि 1/3 किसी का, वो जो एक्सीड करता है 184-x जो नंबर था सेकंड वाला, इसका 1/7 से, बस इसका आप सॉल्व कर दीजिए, 72 आंसर आएगा। 6 नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 11 एंड 1/5 ऑफ देयर नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, तो x-y इक्वल टू 11 एंड सम जो है बोलता है y इक्वल टू 9, तो आप फाइंड द नंबर निकालना है आपको। ठीक है, एंड 1/5, ठीक है, तो 1/5 ऑफ ए नंबर ही, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 मीन्स 45। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, सो x-y इक्वल टू 11, x+y इक्वल टू 45। आप ऐसे करेंगे तो आंसर आपका 28 और 17 आएगा। फ्रेंड्स, ये सारे जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, आप खुद से करिएगा, फिर एक बार हमें बताइएगा, लास्ट में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 3 नंबर आर एडेड इन अ पेयर्स सम इक्वल 10, 19 एंड 21, फाइंड द नंबर्स। सम इक्वल्स 10, 90, 3 नंबर है, जैसे मैंने कहा है कि पहला x प्लस वाई इक्वल टू 10, y प्लस जेड इक्वल टू 19 और x प्लस जेड इक्वल 21, तो नंबर आपको फाइंड करना है। एडिंग 1, 2, 3 क्या होगा, 2 × x + y इक्वल टू y प्लस जेड इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x क्या होगा, पहले में से आप माइनस कर दीजिए x निकालने के लिए, 25 - 9, 19। ठीक है, एक्स आ जाएगा, वाई जेड आप हटा देते हैं, ऐसे करके आपको निकालना आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
आज मैं कहीं हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेगी, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप जो है, अगर आपको हमारा चैनल लाइक कर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू।